नमस्कार। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि दिल्ली कई बार उजाड़ हुई और इसी वजह से दिल्ली का नामकरण भी लगभग 8 बार हुआ, चाहे वह किलाए राय पिथौरा हो या सुल्तान गढ़ी हो या नई दिल्ली हो। दिल्ली कई बार उजड़ी और कई बार दिल्ली का पुनर्निर्माण हुआ। शायद यही वजह थी कि अंग्रेजों ने अपने 200 वर्षों के राज में दिल्ली की बजाय कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई थी। हालांकि फिर 1911 में उन्होंने निर्णय लिया कि दिल्ली को राजधानी बनाई जाए। वजह चाहे जो भी हो, मोहम्मद बिन तुगलक भी दिल्ली से जब दौलताबाद अपनी राजधानी का हस्तांतरण करते हैं तो यह एक सफल प्रयोग नहीं हो पाता। दिल्ली फिर एक बार इस मोड़ पर खड़ी है कि क्या दिल्ली को राजधानी माना जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों दिल्ली न केवल अपराध की राजधानी बनती जा रही है, बल्कि चाहे वह पर्यावरण का मसला हो या दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में से एक बनती जा रही है। इधर 2 नवंबर को जो दिल्ली में घटना हुई, शायद मैंने अपने जीवन में इस तरह की घटना इससे पहले कभी नहीं देखा। एक मामूली सी कहा सुनी पार्किंग को लेकर एक पुलिस की जो झड़प थी, वह पिछले 1 सप्ताह से, पिछले 5-7 दिनों से एक राष्ट्रीय मुद्दा के तौर पर तब्दील होती जा रही है और यह एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का सूचक है, क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या का डिसीजन आना है, नागा पैक्ट को लागू किया जाना है और जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं वो आप सब लोगों से छिपी हुई बात नहीं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये हालात क्यों उत्पन्न हुए, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अचानक पुलिस इतनी एग्रेसिव हो जाती है और वहीं वकीलों के भी सब्र का बांध टूट जाता है। लोकतंत्र में जब सभी लोग अपने अधिकारों पर अडिग हो जाएं और कर्तव्यों के बारे में सोचना बंद कर दें तो यह लोकतंत्र की गिरती अवस्था का एक सूचक होता है। लगभग वैसी ही स्थिति देश की राजधानी में अगर दिखाई दे, दिल्ली के बारे में कहते हैं कि अगर दिल्ली में अगर आप एक लोटा पानी डालिए तो पूरे देश का स्नान हो जाता है। दिल्ली वह केंद्र है जहां विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट तीनों स्तंभ वहां पर काफी स्ट्रांग रूप से वहां काम कर रही है। ऐसे में इस तरह का व्यवहार जहां पूरा का पूरा पुलिस महकमा हड़ताल पर बैठ जाए और अपने आप को हेल्पलेस समझने लगे, क्या यह किसी खतरनाक भविष्य का सूचक है? क्या यह किसी भविष्य में आने वाले किसी खतरनाक अनहोनी का आगाज है? इस पर सोचना, इस पर चिंतन करना बहुत बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सवाल एक मामूली झड़प या मान लीजिए कि अभी हाल में जो हुआ उसको फिर से किसी तरह से कुछ वरीय जन या जुडिशियरी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से निपटारा भी किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है या हमें जरूरत है इस घटना को कुछ गहराई से सोचने की? अगर आप गौर से देखिए तो पुलिस का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो समाज को एक आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन
ज्यों ही आप किसी आम आदमी से पुलिस का नाम लेंगे तो वह उसके मन में ना चाहते हुए जाने अनजाने भी एक खास किस्म का भय उत्पन्न हो जाता है। यह अपने आप में ही काफी है समझने के लिए कि भारत में पुलिस व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है। पुलिस रिफॉर्म के नाम पे जो कॉलोनियल सिस्टम है उसमें आज तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आ पाया है, आज भी वही व्यवस्था है। और यह जानकर आपको हैरत होगी कि अधिकतर पुलिस के लोग जो रिटायर भी हो जाते हैं उनके भीतर भी कहीं ना कहीं सैडिस्ट एटीट्यूड होता है। अभी हाल में किरण बेदी का एक बयान आया था कि 88 में जब वकीलों के रायट्स हुए, वकीलों के साथ हमारी झड़प हुई थी, तो हमने जानबूझकर उनको हैंडकफ लगाकर कोर्ट के सामने लेके, एक खास किस्म का अड़ियल व्यवहार, एक एक इंटेलेक्चुअल गवर्नर के बौद्धिक स्तर के अनुकूल व्यवहार या नहीं। हालांकि अगर पुलिस सिस्टम की देखें तो पीआरएस की रिपोर्ट यह कहती है, अगर हम एनएचआर की साहब वेस्ट बंगाल में और राजस्थान जैसे जगहों में 70% से अधिक तो वेपन ही नहीं है पुलिस के पास, जहां यूनाइटेड नेशन ये कहती है कि 222 पुलिस प्रति लाख आबादी होनी चाहिए, वहां हम लगभग 137 के आसपास सिमटे हुए हैं। तो हमारी स्थिति तो काफी दयनीय है। और अगर हम कस्टोडियल डेथ की बात करें तो एनएचआरसी की रिपोर्ट ये कहती है कि 1966 कस्टोडियल डेथ हो चुके हैं 2018-18 में, जिनमें से 147 जो थे वो तो पुलिस कस्टडी के थे। कस्टोडियल का मतलब क्या होता है? कस्टडी का मतलब होता है गार्जियन। तो जब किसी अपराधी को आप पकड़ते हैं तो आपसे यह रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप उनके साथ एक गार्जियन, एक प्रोटेक्शन देने का काम करें। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है। अगर आप भारतीय थानों में जाएं तो उसके कई फंडामेंटल वजूहात भी हैं। आप कह सकते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, ओवर क्राउडेड है, क्राइम की संख्या ज्यादा है। आप यह कह सकते हैं कि पुलिस के ऊपर काफी दबाव है। आप काफी बहाने ले सकते हैं, लेकिन ये सभी बहानों के साथ हमारी दिक्कत ये है कि अब आप देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर UNCAT, उसके जो नॉर्म्स है उसको हम आज तक रेटिफाई नहीं कर पाए। नतीजा ये है कि हम कोई भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को अगर हम पकड़ भी लेते हैं प्रत्यर्पण संधि के तहत, अगर हम केस जीत भी जाते हैं, तो अपने जेल में लाने के लिए एक अलग माथापच्ची हमें करनी पड़ेगी और ये काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखिए किम डेवी जो पुरुलिया 95 में जो हथियार आर्म्स ड्रॉप केस हुआ था, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उसको आज तक भारत नहीं लाया जा सका। और उसके सामने उसने बहुत अच्छा सा बहाना दिया कि भारतीय जेल में काफी टॉर्चर होता है। यही बहाना भी हाल में विजय मल्ल्या साहब ने दिया कि भाई मुंबई का आर्थर रोड जेल में काफी टॉर्चर किया जाता है। तो केवल एक तरफा तौर पर पुलिस को दोषी ठहराना मेरे हिसाब से उचित नहीं। वहीं दूसरी तरफ वकीलों का भी अगर आप देखें तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली के अधिकांश वकील, लगभग 40% से ऊपर वकील फर्जी हैं, जिनके पास असली डिग्री तक नहीं है। उसको रोकने के लिए बार काउंसिल ने भी हाल में एग्जाम लाया और एग्जाम सिस्टम लाया कि भाई LLB के बाद भी आपको एक परीक्षा देनी होगी तभी हम आपको मान्यता देंगे। हालांकि कोशिशें चल रही, ऐसा नहीं कह सकते कि कोशिश नहीं चल रही, लेकिन जो पहले के उससे पहले के जो वकील हैं उनके आचरण को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर तो स्ट्रक्चरल प्रहार करने की जरूरत है। किस तरह से लोग वकील बन गए सबको पता है, ना तो कोई केस स्टडी ढंग से कराया जाता है, ना ही कोई स्ट्रक्चरल हमारे यहाँ। तो उनसे भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि रूल ऑफ लॉ को समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ गलती स्ट्रक्चरल है। सो एक दिन में अगर आप सोचते हैं कि नहीं अभी सुलह करा लेने से ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमें जब LLB का एडमिशन होता है वहां भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की जरूरत है। पुलिस की जो संख्या बल है, अब बताया जा रहा है कि लगभग स्टेट्स में 24% पुलिस की वैकेंसी 2016 का रिपोर्ट है खाली है, पद रिक्त है 5.5 लाख के आसपास, और सेंटर में भी काफी पैरामिलिट्री फोर्स की कमी है। तो दोनों तरफ से, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी काफी, जहां हम पुलिसिंग पे बहुत कम खर्च करते हैं अगर देखा जाए तो, हमारी उम्मीदें बहुत होती है, प्लस उन पर पॉलिटिकल दबाव भी काफी ज्यादा होता है। तो हमें लगता है कि
हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर लेने की जरूरत है, तभी यह व्यवस्था काम कर पाएगी, नहीं तो आगे भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।